पुलवामा घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां से बदले की मांग न उठी हो। चंबल के पूर्व डकैत मलकान सिंह ने भी अपने दम पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की परमिशन मांगी है। जिसके नाम से बीहड़ कांपता था, बगावत जिसके खून में थी, जिसे पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए थे, आज वही शख्स पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मूंछों पर ताव दे रहा है। एमपी में 700 बागी बचे हैं। आज अगर मेरी जरूरत पड़े, शासन चाहे तो बिना शर्त बिना वेतन के लिखा लिया जाए कि मारे जाए तो कोई जुर्म नहीं, और मैं बॉर्डर पे अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। बचा हुआ जीवन हम अपने लगाने को तैयार हैं। अगर कोई पीछे हट जाए तो मलखान सिंह नहीं। सिर्फ चेहरा देख लीजिए, अगर भूल गए तो नाम बता देते हैं। यह है मलखान सिंह, चंबल का वो डाकू जो बीहड़ों में खौफ का पर्याय था। इसके एक इशारे पर वीरान पहाड़ियों में गोलियां गूंजने लगती थी। आज वही डाकू पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। कोई अनाड़ी नहीं है मलखान सिंह, कोई कथा नहीं। बांचित रहे 15 साल चंबल घाटी पे, वो तो जो होगा सो फैसला होगा, अकेले पीछे नहीं हटेगा। बेशक मलखान सिंह अब आम नागरिक की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उसके आतंक को देखा है वो जानते हैं कि उसकी गोली और बोली दोनों एक जैसी थी। अमित कंजू, न्यूज 18, कानपुर।